नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है सुबह के ताजा तरीन खबरों का। पीएम नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला पहुंचेंगे, जहां इस दौरान हुए रोड शो के बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आज से घरेलू सिलेंडर के कीमतों में इजाफा होने वाला है, जहां 5 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर के लिए वर्तमान में सिक्योरिटी मनी 800 रुपए देनी पड़ती थी, वहीं अब ये 1150 रुपए देनी होगी। ऑल इंडिया लॉ इंटरेस्ट टेस्ट का एडमिट कार्ड आज जारी होगा। छात्र NLU दिल्ली की आधिकारिक वेबसाइट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी delhi.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जम्मू में बिजली की जरूरी रखरखाव कार्य के चलते कई क्षेत्रों में आज बिजली आपूर्ति 5 घंटे तक बाधित रहेगी। हरियाणा और पंजाब के आसपास में आज धूल भरी आंधी चल सकती है, वहीं मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कई क्षेत्रों में आकाशीय बिजली गिरने के साथ 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में आज प्रवेशोत्सव मनाया जाएगा, जहां आज से सभी स्कूलों में नए सत्र की पढ़ाई चालू हो रही है। वहीं आज से छत्तीसगढ़ में सभी स्कूलों को खोला जाना था, लेकिन भीषण गर्मी के कारण कुछ निजी स्कूलों ने छुट्टियों को 20 जून तक बढ़ा दी है। यूपी में नई शिक्षा नीति के तहत परिषदीय विद्यालयों को ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद पहली बार आज से खोला जाएगा, जहां इस बार 15 दिन पहले ही पढ़ाई शुरू हो रही है। पंजाब में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आज तहसील स्तर पर महल कला में प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया जाएगा, जहां मूंग और मक्की की फसल की अनदेखी को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। झारखंड स्टेट हेल्थ सर्विस एसोसिएशन की नई कमेटी 2022-24 के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगा, जो 30 जून तक चलेगी और 7 अगस्त को वोटिंग होगा। राजस्थान के नागौर जिला स्तरीय सुनवाई आज जिला कलेक्ट्रेट स्थित भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में होगी। बिहार के लखीसराय जिला मुख्यालय स्थित मंत्रणा कक्ष में आज जिला स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऑनलाइन संबोधित करेंगे, जहां इस कार्यक्रम में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को शामिल होना है। जम्मू में सुरक्षा बलों ने बैंक मैनेजर विजय के हत्यारे समेत 2 लश्करे तैयबा आतंकी को मार गिराया और हथियार भी बरामद किए। केरल में उमा थॉमस बनी कांग्रेस की पहली महिला विधायक। त्रिक्कोकारा उपचुनाव में दर्ज की जीत। उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग ऐसे लोगों को जो अस्पताल बनाने के लिए मुफ्त में जमीन देंगे, उनकी पसंद से अस्पताल का नाम रखेगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। राजधानी दिल्ली में जल संकट का प्रभाव राष्ट्रपति भवन से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच गया है। इसको लेकर NDMC ने दिल्ली जल बोर्ड को पत्र लिखकर चिंता जताई है। उत्तराखंड के समस्त परिवारों को निशुल्क एवं कैशलेस उपचार की सुविधा देने के लिए सरकार ने आयुष्मान भारत की तर्ज पर अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना की शुरुआत की। रांची हिंसा को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आज फिर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा शहर में लगाए गए उपद्रवियों के पोस्टर हटाना मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इंदौर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 15 महीने की कांग्रेस सरकार के दौरान हमने अपने नीति और नियत से लोगों को परिचित कराया। कमलनाथ ने आगे कहा कि जब वे केंद्र सरकार में मंत्री थे, तब उन्होंने इंदौर में मेट्रो का सर्वे शुरू कराया। हमेशा इंदौर की चिंता करता हूँ। वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के नतीजे के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि कल 17 जून को घोषित होंगे नतीजे। महाराष्ट्र में निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा बीते कल बुधवार को हनुमान चालीसा मामले में जमानत रद्द करने की मुंबई पुलिस की याचिका के सिलसिले में मुंबई की एक विशेष अदालत में पेश हुए, जहां उन्होंने अपना पक्ष रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को वडोदरा में गुजरात गौरव अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न विभागों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान
प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मातृ शक्ति योजना का भी शुभारंभ करेंगे। राजस्थान में कांवर यात्रा के दौरान लाउड स्पीकर और डीजे बजाने पर रोक लगा दी गई है, जहां देर रात तेज आवाज में संगीत पर भी लगा दी गई है पाबंदी, जिसका बजरंग दल ने विरोध किया। प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। महुआ जिला में आज अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत सड़क किनारे अवैध रूप से कब्जा किए गए दुकानों पर जिला प्रशासन का बुलडोजर गरजा और सड़क का अतिक्रमण साफ किया गया। महुआ में आज राजकीय वीरभूमि स्नातकोत्तर महाविद्यालय महुआ में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का शुभारंभ सदर विधायक, विधान परिषद सदस्य और जिला अधिकारी महुआ की उपस्थिति में किया गया। दिलीप मिश्रा की रिपोर्ट। सुल्तानपुर जिलाधिकारी रवीश गुप्ता की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक हुई, जिसमें अमृत महोत्सव उद्यान की स्थापना के तहत नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत द्वारा आम, नीम, जामुन, महुआ, सहजन, पीपल, पाकर, बरगद पौधारोपण किया जाना है। रंजीत जिंगर की रिपोर्ट। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड द्वारा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कांकरोली में संचालित किए जा रहे अभिरुचि कौशल विकास शिविर का आज मनोज कुमारी अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी राजसंबंध ने विजिट कर जायजा लिया। सिरदर्द में तरबूज का सेवन करने से आराम मिलता है, इसके लिए तरबूज का एक गिलास जूस लें और इसमें मिश्री मिला दें। कुछ दिनों तक लगातार इसके सेवन से पुराने सिरदर्द को भी ठीक करने में मदद मिलेगी। रक्षा मंत्रालय के अधीन फील्ड एपीओ में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। उम्मीदवार भारतीय सेना के आधिकारिक पोर्टल indianarmy.nic.in के माध्यम से 21 जून तक आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी सुबह की कुछ ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।